बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं मिर्च और अरबी के पकौड़े। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। पकौड़े बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप बेसन, इसको अच्छा सा छान लिया है हमने। इसके अलावा हमने लिया है राइस फ्लोर 4 टेबल स्पून, हरा धनिया लिया है 1/2 कप बारीक चॉप किया हुआ, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, कश्मीरी मिर्च है 1 टीस्पून, अजवाइन है 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून है। इसके अलावा हमने ये मिर्चें ली हैं, ये इस तरह की मिर्चें हैं, ज़रा बड़ी बड़ी सी, और इनके हमने अंदर से सब बीज निकाल लिए। हमने ली हैं ये अरबियाँ, जिनको आलू की तरह हमने इनके छिलके उतार के और फिर इनको धोया, अच्छी तरह से धो के फिर इनको ड्राई कर लिया है हमने। चलिए आपको दिखा देते हैं मिर्चों के अंदर हम कौन से मसाले भरेंगे। हमने लिया है 2 टेबल स्पून इमली का पल्प और सॉल्ट लिया है, इसको आप अपने हिसाब से डालिएगा। 3 टेबल स्पून भर के हमने लिया है साबित धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ, ज़रा बारीक कुटा हुआ है। 1 टीस्पून सौंफ पाउडर है। इन सबको हम मिक्स करके मिर्चों में भर लेंगे। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं बेसन को रेडी। इसके लिए हमने ये 2 कप बेसन लिया था और इसको हम इसमें बॉल में डाल देंगे। ये हमने 4 टेबल स्पून राइस फ्लावर लिया है, साथ ही हम डालेंगे सॉल्ट इसमें, ये 1 टीस्पून के करीब। हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है। ये कुटी मिर्च जो है अगर आप चाहें तो स्किप कर सकती हैं। और ये है अजवाइन, इसको हमें कुदरा सा हाथ, इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको घोल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे। अब हम इस तरह से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा। देखिए हमने इस तरह से इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया हमने वरना ये मिर्चों से निकल जाएगा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 10 मिनट के लिए तकरीबन। चलिए हम जो मसाला मिर्चों के अंदर भरेंगे उसे मिक्स कर लेते हैं। ये है साबित धनिया और ज़ीरा, इसके अलावा 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ये है सौंफ पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे ये इमली का पल्प, ये भी आप अपनी मर्जी से डाल सकती हैं, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। ये अच्छा से रेडी हो गया है, अब हमें आप चाहें तो ज़्यादा इमली का पल्प डाल के इसको इस तरह से मिक्स कर दें। मिर्चों को अब हम भर लेंगे। हम मिर्च को इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें मसाला डाल भर सकते हैं। इस तरह से हम सब मिर्चों को भर लेंगे। देखिए हमने सब मिर्चों को इस तरह से भर लिया है। अरबी को हम इस तरह से स्लाइसर से रख के कट कर लेंगे, आप चाहें तो छुरी से भी कर सकते हैं। सब अरबियों को हमने इस तरह से कट कर दिया, आप इनको चाहें तो छुरी से भी कर सकती हैं, लेकिन ये इसमें बहुत अच्छी हो जाती हैं। हमने ऑयल गरम करने रख दिया है, अब हम मिर्चों को फ्राई करेंगे। हरा धनिया हम बेसन में मिक्स कर लेंगे। हमने कुछ ड्राई बेसन लिया है थोड़ा सा, पहले हम मिर्च को इसमें हल्का सा ऐसे लगा लेंगे, फिर हम इसे
देखिए मिर्चों में अच्छा सा बहुत कलर आ गया, खूब अच्छा कलर आ गया इनका। अब हम निकाल देंगे इसको। आप मीडियम आंच पे, हल्की आंच पे करिएगा तो ये क्रिस्पी होंगी। ये देखिए सब मिर्चें तैयार हो गई। चलिए अब हम अरबियों को फ्राई कर लेते हैं। अरबियों को बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे हम आलू को करते हैं। देखिए बिल्कुल आलू के पकौड़ों की तरह फूल गए हैं, ऐसे ही तैयार। देखिए हमने दोनों तरह के पकौड़े तैयार कर लिए हैं, ये अरबी के पकौड़े और ये मिर्चों के पकौड़े। अब हम इन पे डालेंगे चाट मसाला जो कि हमने खुद तैयार किया है, उसका रेसिपी आपको हमारे पेज से मिल जाएगी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और चटपटे से अरबी और मिर्चों के पकौड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। Yum, yum.